मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कविता द फीमेल ऑफ स्पीशीज इज मोर डेडली देन मेन, मतलब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा खतरनाक, साहसी या ताकतवर होती है, जिसका एक उदाहरण सीए के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में भी देखने को मिल रहा है। तो देश भर में चल रहे इन प्रदर्शनों में महिलाओं ने न सिर्फ बराबरी से भाग लिया बल्कि पुरुषों की तुलना में कई ज्यादा बुलंदी से अपनी आवाज भी उठाती नजर आ रही है। तो क्रिएटिव नारों से भरी तख्तियां लेकर आंदोलन करती महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो देश के अलग अलग कोनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस प्रदर्शन में बढ़ती महिलाओं और बच्चों की संख्या के पीछे ये सियासत है या फिर कोई साजिश। इसी पर फेस टू फेस होंगे हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता अनुरोध सिंह और मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पीएफआई के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आज उनको लगने लग गया कि अब अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो वे लोग तो तुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये बातें यूं ही नहीं कही। दरअसल CAA NRC के खिलाफ अलग अलग हिस्सों में हो रहे धरना प्रदर्शन में कुछ तस्वीर यूं थी। यहां कुछ तस्वीरों के जरिए सवाल है, क्या इन मासूमों को CAA और NRC का मतलब मालूम है? क्या ये बच्चे जिन्हें ठंड में अपने घर में होना चाहिए था, ये सब सड़क पर दिन रात क्यों गुजार रहे हैं? क्या प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे आतंकी संगठन और आतंकी सोच के लोग हैं और वो गुमराह कर रहे हैं तमाम मुस्लिम समाज को। और आज अब तो उन्होंने मुस्लिम समाज की बहनों को हमारी बाहर बैठाना शुरू कर दिया धरने पर, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता होता है, वो बहुत इनोसेंट होती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिसंबर महीने में CAA के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। पुलिस ने CAA विरोधियों के खिलाफ दंगे और हत्या का प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज किए थे और जेल भेज दिया, लेकिन कोर्ट में पुख्ता सबूत न पेश कर पाने की वजह से अदालत ने इन्हें जमानत देना शुरू कर दिया। कोर्ट में पटकनी खाने के बाद यूपी पुलिस ने एक नया दांव चला। एक महीने बाद CAA प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लगाया गया है। ये एक्ट 107 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले के करीब एक महीने बाद लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिसीय कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कोर्ट ने जज के सामने टिकने वाला नहीं है, सब चीज पता है, तो सरकारी तंत्र जितना भी दुरुपयोग कर सकते हो करो। जुडिशियरी में जाते जाते आपकी स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो उधर इस मामले में बीजेपी का अपना ही तर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने देखा दंगाइयों को, दंगाइयों ने जो काम किया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया और वो काम न्यायपालिका में चला गया। न्यायपालिका का अब काम है कि उसको अपने हिसाब से देखना, उसमें कोई सरकार का कोई अब दखल नहीं है। न्यायपालिका जैसे देखेगी, जो सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से काम करेगी, क्योंकि न्यायपालिका सबूतों पर चलती है। सरकार का काम है, सरकार से अगर सबूत मांगे जाएंगे सरकार सबूत देगी, अगर उनको पुख्ता सबूत मिलता है और चीजें रहती हैं तो न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करेगी। बहरहाल ये सवाल तो बनता ही है कि महिलाओं और बच्चों को कैसे अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। CAA और NRC को लेकर धरने पर बैठे बच्चे तो इसका मतलब भी नहीं जानते, बहुतेरी महिलाएं भी कानून को नहीं जानती होंगी, लेकिन महिलाएं और बच्चे किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? लखनऊ से आदित्य द्विवेदी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो ये रिपोर्ट आपने सुनी और जाहिर तौर पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से सीएए का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ा, उसके बाद अब पुरुषों की संख्या कम हुई लेकिन महिलाएं और बच्चों की भागीदारी इसमें बढ़ती हुई नजर आई। फजील जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, आप लोग क्यों नहीं इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे, क्यों दिनों दिन जो महिलाएं और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कोई साजिश या कोई रणनीति आप लोगों की? शायद जानकारी नहीं है, हम लोग भी शामिल हैं इसमें जी, क्योंकि हम लोग समय समय पर चैनल्स पे भी आते हैं, सुन लीजिए, चैनल्स पे भी आते हैं और भी काम होते हैं और सारे पुरुष भी वहाँ जाते हैं, लगातार महिलाएं भी बैठती हैं, वो भी आती जाती हैं। और आपने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे, यदि महिलाएं जब कहीं जाती हैं तो उनके साथ बच्चे तो रहेंगे ना, उनका बच्चा कहाँ छोड़ के जाएंगी अपना, तो साथ में बच्चों को लेके जाती हैं। तो इसमें इस तरह से मीडिया का प्रोपेगेंडा करना, आप महिलाएं, आप ही आरोप लगाती थी कि महिलाओं, मुसलमान समाज में महिलाओं को दबाया जाता है, अब देख लीजिए दबाया जाता है कि नहीं दबाया जाता है, अब आपको मिर्ची लग रही है कि भाई ये महिलाएं क्यों आ रही हैं। अरे ट्रिपल तलाक पर पूरे देश में महिलाओं ने बहुत लंबा लंबा आंदोलन किया है, लेकिन तब मीडिया ने नहीं दिखाया उसको, ट्रिपल तलाक पर ये लोग बाहर निकले थे, अब उनकी आदत लग गई है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। और हमारे इस्लाम धर्म में महिलाएं कर्बला के मैदान में भी जंग लड़ी हैं पुरुषों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और महिलाएं अब तो हम अकेले थे, अब हमारी दादियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बेटियां, सब लोग हमारे साथ हैं, अब तो हम लोग की ताकत बहुत बढ़ गई। और ये आंदोलन हो रहा है, होता रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अनिरुद्ध जी, आप क्या कहेंगे, ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती? नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से है कि सीए जो एक्ट है वो तो एक्ट बन चुका है, उसमें कुछ तब्दीलियां होने वाली नहीं, कुछ चेंजेज होने वाले नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीए में अगर कांग्रेस की बात लिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी 2012 का आसाम का रेजुलेशन लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी का 2003 का कोझिकोड का रेजुलेशन उठा लीजिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था, और अशोक गहलोत जो अभी करंट सीएम है, उन्होंने चिट्ठी, एक भी कामा फुल स्टॉप हलंतू कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज उतने ही वर्ड लेके आए। वो भारत में रहने वाले किसी भी जाति धर्म पंथ संप्रदाय से संबंधित सिटीजन के लिए एक्ट ही नहीं है, वो एक्ट जो है वो नागरिकता देने का एक्ट है और उसमें एक एक्ट बन चुका है, और वो बाहर के जो प्रोसिक्यूशन या जो भी लोग आते हैं वो हैं। अगर बाहर का कोई मुस्लिम है, किसी भी समाज का व्यक्ति आता है, आवेदन करता है तो अगर उसका पाया जाता है तो देने उसमें कोई नहीं है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस देश के अंदर 18 साल के बच्चों का वोट देने का अधिकार होता है, 18 साल के बच्चे और 21 साल के उनके शादी करने का अधिकार होता है, वहां उनको ये नहीं पता, अगर बालिक माना जाता है ना कि 18 साल तभी तो वोट देने, और इतना संजीदा मैटर में सीए को उनको समझ बच्चों को लेके जाया जाता, उनको नारे सिखाए जाते कि मोदी की हत्या कैसे की जाएगी, हिटलर के तरीके से की जाएगी, वहां जब बच्चियों से पूछा जाता सीए के बारे में, महिलाओं से पूछा जाता तो उनको पता ही नहीं, जिसके लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल साजिश के थ्रू ये किया जा रहा है, ये उसकी बू आती है कि जहां पे जिस देश के अंदर 18 साल के बच्चे वोट देने के लिए काबिल समझे जाते हैं, वहां 5 साल की बिटिया से हम क्या पूछेंगे कि बिटिया तुमको क्या पता सीए के बारे में, उनको नहीं पता होता है, या किसी महिला को वहां नहीं पता होता कि सीए है क्या, बस वो आते हैं जाते हैं। वो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिकल उसमें मत पड़िए, क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार मत होइए, लोग तो आपके कंधे पे बंदूक रख के केवल दाग रहे हैं, और आपको पता चलेगा 10 दिन के बाद पता चलेगा। फजल जी, आप क्या कहेंगे, आप फेस टू फेस से दोनों मेहमान और जी, हमारे देश का संविधान जो कहेगा, देश की सरकार को वैसे ही चलना है, जो सरकार आज है वो भी एक संविधान से सरकार बनी है, तो आपको संविधान मानना पड़ेगा। आर्टिकल 21 ये कहता है कि हम भारत के आए हुए लोग, चाहे विदेश से भी भारत में कोई आ रहा है उसके साथ भी हम जात धर्म मजहब का भेदभाव नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 21 में हमारे प्रेमबलस में लिखा हुआ है, आप उसको भी वायलेशन कर दिए। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, पूरा होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोलिए, पूरे होने के बाद आप बोल लीजिएगा, आपकी भी बातों पर आपत्ति थी लेकिन मैं बीच में नहीं बोला। जब मेरा ये कहना है कि हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रेमरस को नहीं मानेंगे, प्रस्तावना कानून को नहीं मानेंगे, इनका जो मर्जी में आएगा, 40% कमीशन खाने वाला सांसद यदि कानून पास कर देगा तो हम मजबूर नहीं है उसके कानून को मानने के लिए, ये 40% कमीशन खाने वाले कमीशन खोर सांसद है। मैं कह रहा हूँ कि सांसद 40% कमीशन खा करके आज देश में भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका बनाया कानून, उसको पढ़ा लिखा, उसको समझना, आपने क्यों पैसा लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग,
टिकट देने के लिए पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं आप लोग, इसलिए पैसा लेते हैं आप लोग, टिकट देने का पैसा लेते हैं आप लोग, इसलिए शराब माफियाओं को आप लोग टिकट देते हैं, शराब माफियाओं को टिकट देते हैं, इसलिए वो 40% कमीशन खाते, 40% कमीशन खाने वाला सांसद कोई कानून बनाता है, नहीं देश की जनता मानेगी उस कानून को। मुस्लिम समाज के सुधारक बन के प्रेषित कर रहे हैं, अरे मुस्लिम समाज के सुधारक नहीं, इस देश का संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान की बचाए लाज बचाइए और बहनों के लिए। अरे इतना ज्यादा दर्द होता ना महिलाओं को लेकर, ट्रिपल तलाक में साथ आते तब वही ट्रिपल तलाक में वही महिला नहीं आए, वही महिला आप लोग राज्यसभा लोकसभा के लोगों को गाली दे रहे हैं, वो जनता मैं कह रहा हूँ 40% कमीशन खाते हैं सांसद, मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ करता हूँ, आप इंक्वायरी कराना चाह लीजिए, इंक्वायरी कराइए, 80% इसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठते हैं, इसके लिए धरने पे टीवी पे क्यों चिल्लाते हैं, 40% बैठिए ना, 40% बैठे रहे धरने पर, इसके लिए आपको शाहीन बाग नहीं सूट करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको शाहीन बाग नहीं सूट करेगा। अरे मित्र उसके लिए धरने बैठती क्यों नहीं, आप बैठिए ना उसके लिए, आपको इतना लगता भी समय है शाहीन बाग में क्यों धरने नहीं बैठते, समस्या क्या है तो कि पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू उन महिलाओं का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन बहन बेटियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चिंता नहीं है, चिंता की बात नहीं, तब तो महिलाओं की चिंता कर रहे थे कि हम ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दिए, महिलाओं की चिंता आज भी है, आज भी उनके सम्मान की चिंता है, तभी दुख है कि आज उनको लोग गुमराह कर रहे हैं, जैसे लोग मुस्लिम के समाज सुधारक बन गए, इनके कौन आते हैं, शशि थरूर तो आते हैं ना, मणिशंकर अय्यर आते हैं ना, अपने हमारे बिरला आते हैं ना, वो हमारे अपने ये नारा क्या लगाते हैं, जो कश्मीर की आजादी के नारा लगता था वही नारा लगाते हैं, ये अफजल गुरु की फांसी शर्मिंदा वहाँ नारा लगाया जाता है, आप वहाँ बस जलाते हैं, आप क्या बात करती है, आप नहीं जलाते हैं क्या, आप बस जलाते हैं, आप नहीं जलाए क्या, अमानतुल्लाह चार महीना पार्लियामेंट में चलने दिए आप लोग, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते कहते मोदी घोटा उत्तम बात होगी, वो वहाँ जाते मणिशंकर को जेल में ठूस रहे हैं कि वहाँ पे जेल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में क्यों मणिशंकर को ठूस दिए, ठूसे जाएंगे कब, आप चिंता मत, 11 फरवरी एक बार ठूसे जाएंगे, कब से जाएंगे, बिल्कुल केजरीवाल जो चार सीट बना के बैठे हुए हैं ना अंदर, वो बस 11 फरवरी के बाद सब चीज का निकला, मैं तो चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, सपना है आपका, सपना नहीं है, आप ये दिल्ली से गए आप, खत्म दिल्ली से आप, ये शाहीन बाग ये दिल्ली के लिए क्यों इलेक्शन, जैसे ना आपका सपना है, गए आप दिल्ली से, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम इसकी बात कर रहे हैं, कहीं पे शाहीन बाग होता है, सिर्फ चुनाव के लिए होता है इनका, फजील जी हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो ये विरोध हो रहा है, विरोध जब शुरू हुआ था तो इसमें सब लोग शामिल थे, चाहे बड़े बच्चे पुरुष महिलाएं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से, अनुरोध जी यहाँ का चुनाव कभी अवार्ड ऑफिस होता है, आप देखिए 11 फरवरी के बाद एक केजरीवाल ये लोग कठपुतली हैं कांग्रेस और केजरीवाल के, चुनावों की बात नहीं कर रहे, आपकी बन जाए, आपने एक्सेप्ट किया ना मणिशंकर, हम तो कह रहे हैं ये अपने हैं, आप जा रहे हैं क्या चैनल पे, मणिशंकर क्या है इसका मतलब, ये कांग्रेस अपने हैं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का धरना है, आप क्यों नहीं क्लियर है, सरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का धरना क्लियर है, दिक्कत क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष का काम है धरना करना, आप कोई दिक्कत विपक्ष का काम है धरना करना, बस हम लोग कर रहे हैं ना, आप मान रहे हैं हमें आपके संविधान, आप महिला और मुस्लिम से मत जोड़िए धरने को, अरे क्यों नहीं, आप महिला और मुस्लिम से मत जोड़िए धरने को, हमारी बाएं हैं, हमारी दादियां हैं, वो इस संविधान की देश की नागरिक हैं, आपको अब क्यों तकलीफ हो रही है, आप दो बात मत करिए, एक बात करिए, आप मान रहे विपक्ष का धरना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मान रहे नहीं मान रहे, मेरे परिवार के सदस्य आप मान रहे नहीं मान रहे, तब आप मुस्लिम माओ बहनों का नाम मत यूज करिए उसमें, आपने मुसलमानों का नाम मत यूज कर लिया, आपने मुसलमानों का नाम मत यूज कर लिया, मुसलमानों का जितना जोड़ लिया बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया, तो आप सुधार रहे ना, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर रहे हैं ज्यादा सुधार रहे हैं, आप सुधार रहे हैं, सुधार रहे हैं, सुधार रहे, दिख रहा है कुछ, बिल्कुल आप गए, आप वहां मिल रहे हैं, दर्द आप गए, आपको दर्द हो रहा है, आप गए शाहीन बाग गए, मुझे जहां सरकार हमारी सरकार को वहां मिलती है, तो मणिशंकर उनको धरना मणिशंकर करवा रहे हैं, अरे विपक्ष करवा रहा है, आप सोनिया गांधी से मिलने जा सकते हैं, राहुल गांधी से मिलने जा सकते हैं, राहुल गांधी से मिलने जा सकते हैं, शशि थरूर प्रियंका के बर्थडे पर, राहुल गांधी आपके प्रियंका के बर्थडे पर मोदी जी बधाई दे सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग के महिलाओं से दिल्ली सरकार से परमिशन लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर से परमिशन कॉन्टेस्ट के लिए परमिशन कब्जा लेके बैठे हुए हैं ये लोग, कितने लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट पे परमिशन जरूरत नहीं होती है, जाते नहीं रामलीला मैदान पर, आप 14 से पहले प्रोटेस्ट करते थे, लोग घेर के बैठे हुए विपक्ष के नाम पे,
आप जाइए ना रामलीला मैदान राजघाट, कौन रोक रहा है आपको? अरे हमारी मर्जी, लोग जा रहे हैं, हम जहां मन करेगा, पूरा देश हमारा है, हम जहां मन करेगा वहां बैठेंगे, सड़क सड़क भी हमारी है, स्कूल नहीं जाने पाएंगे, लोगों की डेथ हो जाएगी। पार्लियामेंट क्यों बंद कराए थे? नारकी फैला रहे हैं। चार महीना पार्लियामेंट क्यों बंद कर दिए थे? वही धरना मॉडल जो अरविंद केजरीवाल करते नहीं, चार महीना पहले आप लोग चार महीना पार्लियामेंट क्यों बंद किए रहे? तब देश की चिंता नहीं आई? अरे आज बड़ी पार्लियामेंट की चार महीना आपने आपने बिजली का कारखाना, कांग्रेस के बिजली का कारखाना लगाने के लिए एटॉमिक डील की और आपने सरकार गिराने का षड्यंत्र कर दिया। बता रहे मुसलमानों का नाम लेके, अरे मुसलमानों के नाम लेके 70 साल तक आप लोगों ने बहुत ठगा है। फजील जी, जहां पर साफ तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, साजिश हो रही है या फिर ये आप लोगों की रणनीति है? क्योंकि आपने खुद सीएम योगी को ये कहा, मुसलमान महिलाओं की चिंता है इनको, इनको है ना चिंता? ये तो ट्रिपल तलाक हलाला में विश्वास करते हैं, ट्रिपल तलाक में जो ये ट्रिपल तलाक हलाला में विश्वास करते हैं। अभी इन्होंने चैनल पे माना कि विपक्ष का धरना मन से कर रहे हैं, इन्होंने माना। अनिरुद्ध जी, आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे थे, मुसलमान क्यों नहीं जोड़ लिए आप? अगर आप समझते हैं कि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, अरे मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछा आपने? मुसलमान शब्द उन्होंने बोला था, नहीं बोला था? वही जितने उन्होंने कम्युनिटी का नाम महात्मा गांधी ने बोला था, नेहरू ने समझा था, वही बोला गया। अगर कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस को हटाया आप लोगों ने सरकार से देश के, आप भी वही काम करेंगे जो कांग्रेस के आप हैं भैया। भ्रष्टाचार, मणिशंकर अय्यर आपके, शशि थरूर आपके, आप इसी चैनल पे बोल रहे हैं फजी, आप बता दीजिए इसी चैनल पे आप बोल रहे हैं विपक्ष की भाषा, आप इसी चैनल, तो आप मुसलमानों का नाम लेके आप मत गुमराह करिए मुसलमानों को। आपने 70 साल तक उनको गुमराह किया, सरकार करेंगे तो हम नाम किसका लेंगे? आपने 70 साल तक गुमराह किया, नाम किसका लेंगे? आपने 70 साल तक गुमराह किया, आप मुसलमानों का नाम मत लीजिए ना। आप कहिए विपक्ष का धरना कर रहे हैं, आप अभी बोल रहे हैं विपक्ष का धरना कर रहे हैं, आप मणिशंकर अय्यर के साथ मुसलमान से तकलीफ क्या है? अरे साहब मुसलमान से क्या, क्यों चिढ़ते हैं मुसलमानों से? समस्या ये नहीं है, क्यों करते हैं मुसलमानों का? अरे हम अफजल गुरु को और याकूब मेनन को थोड़ा अपना है, फजील अहमद तो है ना, अफजल, अरे फजील अहमद तो क्यों नहीं अपना रहे? हम भी तो साथ फजील अहमद के साथ बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं आगे पूछ रहे कि आप क्यों बैठे? जी नहीं, आप कांग्रेस इशारे पे धरना कर रहे हैं वहाँ पे, आप खुद मान रहे कांग्रेस इशारे पे धरना कर रहे हैं, एनआरकी फैला रहे हैं, सड़क कब्जा कर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है वहाँ पे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं आप? नहीं बच्चे, अरे आपके अपने गए ना, मणिशंकर अय्यर गए ना, मणिशंकर गए, मणिशंकर गए कि नहीं गए? दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाते हैं नहीं जाते? दिल्ली पुलिस के अधिकारी कोर्ट दिए थे हम, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाते हैं, क्या होता है जी? अच्छा वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं वो तो आपके लिए ठुल्ला है, वो तो आपके लिए गुंडा है, प्रधानमंत्री से ये क्या मानेंगे? भारतीय हमारे लिए सम्मानित है, और आप छोड़ के, आप मुसलमान छोड़ के बात क्या कीजिए? आप उनके मुंह से 134 करोड़ नहीं अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं, आप मुसलमान हो रहा है, विपक्ष हो रहा है। फजील जी, जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, सवाल यही है आप लोगों से, ठीक है अपनी बात रखने का अधिकार है, धरना होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन इस आड़ में बच्चों, महिलाओं, आप बच्चों को देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में हम बैनर लिए देख रहे हैं, उनको सीए की जानकारी होगी, जिन बच्चों को घरों में होना चाहिए सर्दी के वक्त, वो वहां पर रोड पर बैठे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या ये साजिश नहीं है? ये पूछना चाहते हैं आपसे जी कि आप इसको क्या मानती है? बीजेपी की प्लांटेड है क्या आप? जी बीजेपी क्या से जो लिख किया है वो बोलेंगे क्या? हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बताइए, जो बीजेपी के लोग लिख के देंगे वही सवाल पूछेंगे आपसे, जानना चाह रहे हैं, आप हमको बताइए ना, कांग्रेस का धर्म नहीं सर, पूरा देश क्या होता है? सुनिए रिकॉर्ड चला के देख लीजिए, पूरा देश क्या होता है? सुन लीजिए, मणिशंकर इनके अपने, शशि थरूर इनके अपने, और बोलिए कन्हैया कुमार इनके अपने, अरविंद केजरीवाल बोलते रहिए, 2011 के बाद देख लेंगे, कन्हैया आतंकवादी है, कन्हैया भारत का नागरिक नहीं है, अरविंद केजरीवाल भारत के नागरिक नहीं है, शशि थरूर भारत के नागरिक नहीं है, आप मान गए ना कांग्रेस? लेकिन आप दोनों की बात सुन क्या दिक्कत है भाई जी? आप ऐसा काम मत करो, आप प्रोटेस्ट हो कि विपक्ष का धरना है? अरे फजील जी, आप अपनी बात रख पा रहे? पूरा देश का, हिंदुस्तान का, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ रहे हैं घर के, आप आके धरना? फजील अनिरुद्ध जी, समय खत्म हो गया। फजील जी, जो आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, मैं कोई बीजेपी से नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी, जो आप अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन आप दोनों की बातों से ये निचोड़ निकल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग सिर्फ सियासत ही करते हैं, और सियासत की वजह से, आप लोगों की वजह से महिलाएं और बच्चे आज सड़कों पर है। अच्छा, और इसी के साथ हमारे साथ फेस टू फेस में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यही बरकरार होता है कि आखिर सियासत हर मुद्दे पर क्यों होती है? अनिरुद्ध जी, फजील जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में अपनी
बात रखी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन तरह की चीजों पर, इन मुद्दों पर महिलाओं और बच्चों को बीच में क्यों लाया जाता है? अगर लाया भी जाता है तो क्या उनको ये जानकारी है? जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ फेस टू फेस में बस इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।